फाइनली हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार बात करेंगे द मिचेल्स वर्सेस द मशीन। ये एक एनिमेटेड मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, और जैसे कि आप लोगों को पता है मैं एनिमेशन वाली मूवीज और एनिमे सीरीज को बहुत सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठा के वीडियो बना दिया। जो अच्छे है उसी को सपोर्ट करता हूँ ताकि आप लोग देखकर उनके भी फैन बनो और उन सारे चीज़ों को भी सपोर्ट करो। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर जो मूवी रिलीज हुई है। ओवरऑल लेंथ 1 आवर 53 मिनट्स की है, और ये आपको हिंदी में देखने को मिल जाती है। मूवी की कहानी फोकस करती है रिक मिचेल्स फैमिली में, जिसमें हमें नजर आते हैं रिक, उनकी वाइफ लिंडा और उनके दो बच्चे केटी और एरॉन। फिर कहानी कुछ यू है कि रिक और उनकी बेटी केटी के बीच में कुछ खास बनती नहीं है। हालांकि ये लोग एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, एक दूसरे की केयर बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है फादर और डॉटर के बीच में। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है, केटी मिचेल डिसाइड करती है एक फिल्म स्कूल जाना। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स, कैसे मिचेल फैमिली एक ऐसे एडवेंचरस ट्रिप पर निकलती है जिसमें उनको दुनिया को बचाना। अब क्या कुछ होता है उनके साथ, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर बात करें इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो यार गुड वर्सेस इविल जो कि हमेशा आपको मोस्टली मूवीज़ में देखने को मिलता है, तो बस वही कुछ है। लेकिन जिस तरह से इस मूवी को एग्जीक्यूट किया है और जो एनिमेशन है, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सोनी स्टूडियो की तरफ से स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडर वर्स आई थी, उस मूवी में एक अलग ही लेवल का एनिमेशन बताया था जो एक रिवोल्यूशन था। और अगर इस पर्टिकुलर मूवी की बात करेंगे तो यहाँ पर जिस लेवल का एनिमेशन बताया है, को इतना ही कह सकते कि 2021 में आपने इस लेवल का ज़बरदस्त एनिमेशन नहीं देखा होगा। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा, और स्पेशली जो इमोशन टच होता है ना, जैसे फादर और बेटी के बीच में वो एक इमोशनल जो उनका प्यार है, प्लस फैमिली में आपस में जो एक दूसरे की बॉन्डिंग होती है, कैसे हम लोग साथ में मिलजुल कर बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इन कैरेक्टर के थ्रू हम लोग वो सारी चीज़ें फील कर पाते हैं, और इसीलिए हम इजीली मिचेल फैमिली से कनेक्ट भी हो पाते हैं। इसके अलावा मूवी का बीजीएम बहुत अच्छा है, और जो सॉन्ग्स यूज़ किए वो सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। स्क्रीन प्ले अच्छा है, और इस पूरी मूवी के दौरान बहुत हंसी भी आने वाली है, आप इमोशनल भी फील करोगे, और एंड में मैं आपके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल रहेगी। तो मूवी की हिंदी डबिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसको मैं रेटिंग दूंगा 10 out of 10। अगर आपके घर में छोटे बच्चे, और आपको तो पता है कि इंडिया में अब मोस्टली लॉकडाउन है, तो घर पर बैठे तो ये बच्चों के साथ बैठ के देखना द मिचेल्स वर्सेस द मशीन। खैर आप हम लोग बात करेंगे एक एडल्ट एनिमेटेड शो की जो कि अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुआ है, और इसका आखिरी एपिसोड इनविंसिबल का रिलीज हो गया है जो कि मैंने फाइनली देख लिया। ओवरऑल लेंथ 44 मिनट की, और ये शो आपको सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पोर्शन है ये थोड़ा स्पॉयलर से भरपूर है, क्योंकि ये वीडियो वही लोग देखना जिन लोगों ने इनविंसिबल के स्टार्टिंग के फर्स्ट से लेकर 7th एपिसोड्स देख रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने थॉट्स बताऊंगा कि एपिसोड 8 मुझे कैसा लगा। एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि जो मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी इस शो से, एकदम परफेक्ट एंडिंग हुई है। यहाँ पर फादर वर्सेस सन देखकर मज़ा आ गया, और द अमाउंट ऑफ ब्लड शेड, और जिस तरह से मतलब यार वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते मुझे। लेकिन यार एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी एपिसोड 8 की, कि ओमनीमैन इतना बुरा है, मतलब जो उसका मोटिव था प्लैनेट पे आने का वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से पूरा करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बेटे और अपनी वाइफ को भी प्यार करता है। हालांकि उसने ऐसा बोल दिया कि उसकी वाइफ उसके लिए खिलौना ही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यार ओमनीमैन एके नॉलेन अपने फैमिली को भी बहुत प्यार करता, और इसी वजह से वो अर्थ प्लैनेट को छोड़कर चला गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा, वो डेफिनेटली दोबारा लौट कर आएगा, लेकिन अब वो गया कहाँ है ये क्वेश्चन है जो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने इनविंसिबल शो देखा है तो। और इसी से हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका season 2 हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और कुछ नए विलन्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ओमनीमैन भी रिटर्न आएगा। उसके अलावा अब इनविंसिबल यानी कि मार्क अर्थ पर क्या करेगा उनकी नई टीम के साथ, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और आपको 8 एपिसोड कैसा लगा, पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूंगा कि ये शो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, और मैं इसको रेटिंग दूंगा 9 out of 10। बस इस वीडियो में इतना, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो, ज़्यादा अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।